ये तुलसा जो हम लाए थे, अब इसको हम अपने पॉट्स में लगाएंगे। पॉट्स को खाली करके, पॉट्स को खाली कर दिया है और मिट्टी उसमें से निकाल दी है। अब इस मिट्टी के अंदर हम जो ये खाद लाए थे वर्मी कंपोस्ट, ये डालेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट है जिसमें नीम खली, फंजीसाइड और भी सीवीड एक्सट्रैक्ट और एनपीके सब मिला हुआ है। इसमें हमें कुछ और मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसे हम मिट्टी में मिलाते हैं। एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये हेल्प करता है इस मिट्टी में एयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। वो मिट्टी इसमें ये रामा तुलसी है ग्रीन वाली, और इसका ये क्लियर करके एक्चुअली हम कल लाए थे तो ये थोड़ा सूख गया है, पर पानी डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। श्यामा तुलसी हम एक रसूला का प्लांट भी लाए थे, तो इसको मैं सोच रही हूँ इस गमले में लगाने के लिए। तो पहले इसकी मिट्टी निकाल कर खाली करते हैं। इसमें ये होल है, इसके अंदर ये नीचे पत्थर है। अब ये जो मिट्टी है इसको एक बार थोड़ा सा साफ करना है, सो दैट कोई कंकड़ रॉक्स मोटे वाले ना हो, हटा दिए। और इस मिट्टी के अंदर हम मिलाएंगे वो खाद जो हम लाए। आप देख रहे हो मैं खाद इतनी ज़्यादा मिला रही हूँ क्योंकि ये टाइम है वो अपने पौधों को फर्टिलाइज करने का। इसके पत्ता टूट गया है, इसके पत्ते से भी प्लांट उग सकता है अगर हम इसको ऐसे करके इसमें लगा दें तो। इसको मैं बाकी प्लांट्स में डाल देती हूँ क्योंकि ये टाइम है अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करने का, तो जो बची है वो डाल देती हूँ। गुड़ाई करके
इसको मिक्स कर दो उसमें मिट्टी में। जो प्लांट्स की जो भी स्टेम्स गंदी हैं, सूखी हुई हैं, उनको निकाल दो ताकि नई ग्रोथ आ सके। लगा दिया है तुलसी का और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तुलसी का प्लांट बहुत छोटा है, अब देखते हैं, क्योंकि हमें यही मिला था। पानी डाल के इसे रखना है। ये भी हमने नया लगाया था, अभी लगाया था, तो इसमें भी पानी डाल के छोड़ देंगे। पानी फिर उसके बाद तब डालेंगे जब प्लांट से पानी बिल्कुल सूख जाएगा।